कल्पा इलेवन के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं नितिन थानवी। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन नितिन जी द्वारा। और ये गेंद बाउंड्री की ओर जाते हुए पर फील्डर ने रोक दिया है। अनुभव का दमखम दिखाते हुए नितिन थानवी अभी तक तीनों गेंद डाली, तीनों गेंदों में बल्लेबाज को बांध के रखा है। और इस बार विकेट लेने में सफलता हासिल की। और ये कल्पा इलेवन का तीसरा विकेट, सटीक लाइन लेंथ इनाम देता हुआ नितिन को। संजय और ये कैच संजय द्वारा। रुद्र इलेवन का तीसरा विकेट जा चुका है। कपिल बोहरा आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में रुद्र इलेवन की तरफ से। आठ गेंदों का गेम शेष बचा है, ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना चाहेगी रुद्र इलेवन। और ये गेंद को घुमा दिया है पर यहां सिर्फ एक रन ही मिलेगा। यही होता है छोटे फॉर्मेट में, एक अच्छा ओवर गेम चेंज होता हुआ। अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया घातक एक ओवर में का, जिसमें दो रन लिए और एक विकेट हासिल किया नितिन थानवी ने। और इस तरह चार ओवर का गेम समाप्त होता हुआ, स्कोर 33। अंतिम ओवर लेकर आए हैं संजय कल्पा इलेवन के लिए। जबरदस्त कमबैक किया है कल्पा इलेवन ने। गेम में बने रहने के लिए रुद्र इलेवन को एक अच्छा लक्ष्य हासिल करना होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसको पुल करना चाहते थे, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। और नीतू भाव की सटीक कीपिंग जिसके लिए वो जाने जाते हैं, स्टंप्स के एकदम क्लोज रहते हैं और कीप करते हैं, और मिस का तो कोई चांस ही नहीं है। आप आगे आगे तो उनको खोल नहीं सकते। इस बार फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसे पुल करना चाहते थे, सीधी गई लॉन्ग ऑन की दिशा में। दो रन चाहते हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा से, दो रन ले पाएंगे कि नहीं और देखना होगा अंपायर क्या कहना चाहते हैं। नॉट आउट, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 36 रन, तीन गेंदों का गेम बचा है, ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का प्रयास। राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट ऑफ लेंथ, पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से मिस किया और निराश है अपने आप से। काफी खुश हो गए नीतू भाव अपने गेंदबाज से, जिस तरह से गेंदबाजी हो रहे। निराश है बल्लेबाज उस गेंद को मिस करने के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर है लेकिन उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, बॉल में गति इतनी
बेहतरीन है, परफेक्ट जिसे कह सकते हैं कि जिसे गति नहीं मिल रही है गेंद में, राइटा वो द विकेट एक और बार फिर संजय शॉट ऑफ द लेंथ अगेन, इस बार किनारा लगा है, ऊपर से चली गई कीपर के, क्या ये चार रन होगा देखना होगा, और ये चार रन, रन आने चाहिए कैसे भी आए, और रन आ रहे हैं रुद्र इलेवन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 40। कमर पे तेरे मेरा दिल फिसल गया, इस काम लिए जादू तेरा मुझ पे चल गया। शॉट ऑफ द लेंथ इस बार, और एक बार पुल करना चाहते थे 22, देखना होगा क्या होगा निर्णय, 22 का इशारा अंपायर का, एक रन और रन आउट। श्याम भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए, और महाकाल जय श्री महाकाल टीम और ब्रदर इलेवंस के कप्तान भी कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए, स्टेज के पास आ जाए। हेलो ब्रदर्स इलेवन, और कौन सा टीम है, ब्रदर्स इलेवन और जय श्री महाकाल, ब्रदर्स इलेवन और जय श्री महाकाल, दोनों ही टीम के 11 प्लेयर टॉस के यहाँ पे आ जाए, ब्रदर्स इलेवन और जय श्री महाकाल। कल्पा इलेवन का एक प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं, स्कोर अपडेट में आसानी रहती है हमारे।
दीजिए दीजिए ब्रदर्स इलेवन, ब्रदर्स इलेवन और जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल और ब्रदर्स इलेवन के 11 प्लेयर टॉस के यहाँ पे आ जाएं। कल्पा इलेवन का एक प्लेयर प्लीज 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 कमेंट। महेश ओमोम, महेश ओमोम जहां भी हो स्टेज के यहाँ पे आ जाएं। ओम 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 जहां भी हो स्टेज के यहां पे आ जाए। ओम ओम हेलो मैच ब्रदर्स इलेवन और जय श्री महाकाल। प्लीज अंपायर मैच स्टार्ट ना करें, दो मिनट कल्पा इलेवन का कोई प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए अपडेट देने के लिए। गेम स्टार्ट किया जाए। हेलो जेएसएमएल 11 के 11 प्लेयर ऊपर आ जाए स्टेज के ऊपर। 11 के 11 प्लेयर फोटोग्राफर ग्यारह ग्यारह जय श्यामल। चलिए जय श्री महाकाल। चलो व्हाइट से चलिए शुरुआत होती हुई। आला माता की जय। प्रमोद बाबू अपनी टीम को लेके ऊपर आ जाए स्टेज के ऊपर। ब्रदर्स इलेवन अमरावती अमरावती के जोर से तालियां हो जाए। धन्यवाद मयूर पुरोहित, मयूर पुरोहित जहां भी हो स्टेज के ऊपर आ जाए। लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा। हेलो मयूर जी, मयूर जी जहां भी हो यहां पर आ जाएं। इसी व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। काफी गेंद ऊंची गई थी। कैप्टन सिर्फ कैप्टन यहां पर रुकेगा। जेएसएमएल का कैप्टन, जेएसएमएल का कैप्टन हमारा कमलेश व्यास चैता प्रमोद जी। सेम कार्बन कॉपी शॉट प्रथम पुरोहित द्वारा कॉर्ड राइट दिखाते हुए ऑफ में नशाकत बन गया। फोटो आप सभी को मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। प्रमोद जी हम पुरोहित और महेश ओम ओम हमारे इस टूर्नामेंट के कंट्रीब्यूटर भी हैं। एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए जेएसएमएल ने टॉस जीता है। निर्णय 10 मिनट के अंदर लेके बोला है। बड़े प्रोफेशनल हैं ये लोग।
अच्छा कमबैक गौरव द्वारा। हमेशा मुश्किल रहता है किसी बॉलर को कमबैक करना। नहीं भैया, आपको कैच पकड़ने होंगे, मैच में बने रहना है तो आपको कैच पकड़ने होंगे, तभी आप मैच बना पाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। एक और जहां कल्पा 11 को चाहिए 28 रनों की दरकार 24 गेंदे शेष रहते हुए, वहीं रुद्र 11 को गेम में बने रहना है। गेम बनाना है तो अच्छे ओवर निकालने पड़ेंगे, कैच लपकने होंगे, तब जाके आप मैच में अपना पकड़ बना पाओगे। हेलो, फिलहाल तक शानदार ओपनिंग कल्पा 11 द्वारा। जय श्यामल, जय श्री महाकाल ने फील्डिंग का निर्णय लिया है। अगली मैच में टॉस जीता उन्होंने, दोनों प्लेयर के एक एक, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर यहाँ पे पहुंचा। इसके क्या बोलते हैं, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर स्कोरर के पास बैठा दें, हमें बार बार बोलना ना पड़े। दूसरा ओवर रुद्र 11 की तरफ से कपिल बोहरा द्वारा, पहली गेंद शानदार फेंकी गई। फुल टॉस गेंद और ये गेंद हवा में और ये कैच पकड़ लिया गया है गोविंदा द्वारा। बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा है गोविंदा बोहरा ने। कल्पा 11 की तरफ से बैटिंग करने कौन आया, नाम बताएं प्लीज। एक खिलाड़ी यहां पर कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए, मैच आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप नाम नहीं दोगे। कल्पा 11 के एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज यहां पे आ जाए। अभी तक शानदार गेंदबाजी कपिल बोहरा द्वारा, पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजी खेमे को। और ये गेंद हवा में और ये फील्डर ने पकड़ लिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। अच्छी गेंदबाजी कपिल बोहरा द्वारा, बड़े शॉट मारने से रोका जा रहा है। और एक और ये अगली गेंद, बड़ा ही अच्छा शॉट गैप में मारा है लेकिन फील्डर्स ने पकड़ लिया है और सिंपली 2 रन निकाल लिए। इसी तरह 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जानकारी के लिए कह दूं 24 रन बनाने हैं, 18 बॉलों का गेम शेष।
अब हर एक बॉल पे दो रन तो चाहिए ही चाहिए। गौरव रुद्र 11 की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। बल्लेबाजी पर प्रथम पुरोहित और ये गेंद हवा में और ये सीधे ही फील्डर के हाथों में जा चुकी है गेंद और ये विकेट। ऐसा ही दमखम दिखाना होगा, ऐसा ही कमबैक करना होगा। बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना किसी बगल वाली को। और ये नो बॉल का इशारा अंपायरिंग द्वारा, अच्छी अंपायरिंग। एक रन भी मिल गया, स्कोर में भी इजाफा हो गया। ध्यान रखे रुद्र 11। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया हितेश ने, बॉल पहुंचाई। और ये गेंद हवा में, उम्दा शॉट प्रथम पुरोहित द्वारा बाउंड्री के बाहर। और ये था सिक्स। बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। परसों का लट्टू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। नहीं रोक सकते भाई आप इन्हें। अब प्रथम पुरोहित जाने मत जाते हैं लंबे छक्कों के लिए। और वैसा ही मनोरंजन करते हुए बल्ला झूम रहा है, स्टेडियम झूम रहा है। वाइट गेंद का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 34। 8 रनों की दरकार, सिर्फ 15 गेंदें शेष। आसानी से एक रन पूरा किया।
क्या गैप निकला है प्रथम ने, और इसी तरह वन मैन शो मैच अपने बलबूते पर कल्पा इलेवन को जीत के करीब ले जाते हुए प्रथम पुरोहित। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड 40 रन्स, मात्र 2 रन जीतने के लिए चाहिए कल्पा इलेवन को। गोइन बोरा द्वारा रुद्रा इलेवन की तरफ से चौथा ओवर पहली गेंद शानदार सटीक लाइन लेंथ पर अब काफी देर हो चुकी है। और ये गेंद हवा में और ये बाउंड्री की ओर जाते हुई, ओहो फील्डर ने पकड़ लिया सिंपल एक रन। मात्र एक रन जीतने के लिए चाहिए, 2 रन ले सकते थे पर कुछ बड़ा शॉट मारकर मैच जीतने का आमदा रखते हैं। यह आखिरी गेम नजाकत भरे शॉट से मैच को विजय दिलाते हुए प्रथम पुरोहित, शानदार टीम परफॉर्मेंस कल्पा इलेवन द्वारा। रुद्र इलेवन को कुछ परिवर्तन लाना होगा अगले मैच में, अपना दमखम दिखाना होगा। और एक बार जोरदार तालियां कल्पा इलेवन के लिए, एक अच्छा मैच बनाया, एक अच्छा मैच देखने मिला दर्शक दीर्घा को।